अंतर्राज्यीय सेक्स टर्सन गिरोह का सदस्य दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ा। लड़कियों से सोशल मीडिया में दोस्ती कर देता था अपराध को अंजाम, साथ ही चैटिंग के दौरान रिकॉर्ड कर लेता था अश्लील फोटो वीडियो। दुर्ग गया नगर निवासी महिला के द्वारा लिखी शिकायत के आधार पर आरोपी जयंती रोहड़ी को दुर्ग पुलिस ने राजस्थान से घेराबंदी कर धर दबोचा। शिकायत में महिला ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से गेम खेलने के दौरान दोस्ती कर वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से चैटिंग करने के दौरान बहला फुसला कर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर परिजनों व परिचितों को फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पैसों की मांग करता रहा। वही पैसा न देने पर सार्वजनिक रूप से वायरल कर देने की धमकी दे रहा था, जिसकी रिपोर्ट उक्त मोबाइल नंबर आरोपी जयंती रोहिण के विरुद्ध अपराध कायम कर पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया, जिसमें दुर्ग पुलिस को जल्द सफलता मिली और आरोपी को दुर्ग पुलिस द्वारा राजस्थान से घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसकी जानकारी दुर्ग CSP जितेंद्र कुमार यादव ने मीडिया के समक्ष रखी। मामला आया था जिसमें एक नाबालिग लड़की थी जिसको आरोपी के द्वारा वीडियो चैट के माध्यम से वो कर रहा था, इसमें उससे एक्सट्रॉशन की मनी मांग रहा था, जिसमें इनकी जो शुरुआती जो दोस्ती हुई थी वो एक गेम्स के माध्यम से हुई थी, ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से हुई थी, और उसके बाद इसके जो फ़ोटोज़ थे, लड़की के जो फ़ोटोज़ थे उसका इस्तेमाल करके ये वायरल कर दूंगा करके धमकी दे रहा था और पैसे की मांग कर रहा था, जिसमें साइबर की टीम ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स और उसके नंबर से आगे इन्वेस्टिगेट किया तो वो आदमी राजस्थान का मिला, जालौर ज़िले का, जिसमें हमारी टीम गई और वहाँ से उसको गिरफ्तार करके ले गई। अभी तस्दीक चल रही है, अभी इस मामले में सिर्फ इतना है कि ये फ़ोटोज़ ले लेता था और उसके बाद उसी का इस्तेमाल करके वो धमकी देता था कि पैसे, इतने पैसे नहीं देने पर मैं ये वीडियो इंस्टाग्राम में और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में वायरल कर दूंगा, जिससे डरकर प्रार्थी कई बार दे देते हैं, लेकिन इसमें प्रार्थियों ने आकर हमसे शिकायत दर्ज की और उसमें FIR। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के कभी भी एक्सट्रॉशन के जो मामले आते हैं या फिर कहीं भी ऑनलाइन एक्सट्रॉशन के मामले आते हैं तो उसमें लोग थोड़ा सजग रहें और दूसरा तुरंत पुलिस के पास सूचना दें। इसमें जो डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनकी खुद की ऑडिट होती है और कभी भी इस तरह के वीडियो अपलोड नहीं करते हैं या फिर अपलोड किए जाने पर भी तुरंत उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर इस तरह का कभी भी किसी को एक्सट्रॉशन के केसेस आते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और पुलिस पर कार्रवाई करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।